मामा। मैं आपसे कह चुका हूं, मैं आपसे बात करना नहीं चाहता। आप क्यों बार बार मुझे परेशान कर रही हैं? आदित्य मेरी बात तो सुनो, मैंने वो गुनाह किया ही नहीं जिसकी सजा तुम मुझे दे रहे हो। मैं बेकसूर हूं बेटा। बेकसूर तो वो था मामा, जिसे आप लोगों ने इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। बेकसूर तो मेरी पूर्वा थी, जिसकी खुशियां आप लोगों ने छीन ली। मां बनने की खुशी, जो एक औरत के लिए इस दुनिया में सबसे बड़ी खुशी कहलाती। आदित्य, इस बात का दुख मुझे भी है। अगर पूर्वा ने अपना बच्चा खोया है तो मैंने भी तो अपना पोता खोया है। ओ प्लीज मामा, झूठे रिश्तेदारी जोड़कर अपने पोते के लिए प्यार दिखाकर मेरे दिल में अपने लिए नफरत को आप निकाल नहीं सकती। आज के बाद दोबारा मुझे परेशान करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर कहता हूं, आपका हमारा कोई वास्ता नहीं। सुना आपने? कोई वास्ता नहीं। आदित्य, तरीके से कोशिश करके देख ली सागर, आपको ये याद दिलाने की कि आप ही मेरे सागर हैं। आपको हर उस जगह ले गई, हर वो चीज दिखाई जो हमारे प्यार की निशानी थी। हमारे गुजरे पलों की गवाह थी, लेकिन फिर भी आप। क्या करूं मैं पायल, तुम जिन जगहों पर मुझे ले गई, जिन चीजों को तुमने मुझे दिखाया, मुझे एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि मेरा उन चीजों से या उन जगहों से कोई रिश्ता है। मैं सब क्या करूं कि आपको। एक जगह और है, आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? वो जगह हमारे प्यार की गवाह है, मुझे यकीन है वहां जाके आपको सब कुछ याद आ जाएगा। चलिए। लेकिन पायल कहाँ ले आ रही हो? अब चल के तो देखिए ना। हाँ लेकिन ये तो बताओ कि कहाँ लेकर जा रही हो? अरे आप सागर जी सवाल बहुत करते हैं, आपको यकीन है ना हम आपको किसी गलत जगह नहीं ले जाएंगे। अरे लेकिन खुद ही चल के देख लीजिए। ऐसा तो नहीं कि इसे पता चल गया कि आराधना जी की जिंदगी चंद दिनों की है? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ताई अम्मा ऐसा नहीं कर सकती।
अरे रो क्यों रही है? तनु बेटा तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। नहीं नहीं बेटा, कोई बात तो जरूर है। आराधना जी के होश में आने के बाद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लौटने लगी थी, लेकिन आज फिर अचानक ये। हाँ पापा, आज अचानक ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच रही हूँ कि मम्मी जी जब घर लौट कर आएंगी तो उन्हें मैं ये सारी बातें कैसे बताऊंगी। उन्हें जब पता चलेगा कि उनकी गैर हाजिरी में मैं इस घर को नीलाम होने से नहीं बचा सकी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? पापा, उन्हें मुझ पर नाज है। वो सोचती है उनकी तनु हर मुसीबत से लड़ सकती है, हर जिम्मेदारी बखूबी निभा सकती है, और अगर ऐसे में उनका विश्वास टूटा तो मैं उन्हें कैसे संभाल पाऊंगी? अभी अभी तो वो मौत से लड़कर घर आ रही है, और आते ही एक नया सदमा। देखो बेटा, आराधना जी अच्छी तरीके से जानती हैं कि जिन जिम्मेदारियों का बोझ तुमने उठाया है उन्हें निभाना आसान नहीं है। वो तो इसी बात से खुश है कि इस मुसीबत की घड़ी में तुमने अपने हौसले को बरकरार रखा। वो एक मां है बेटा, मां, और मां कभी भी अपने बच्चे की नाकामयाबी पर नाराज नहीं होती, बल्कि वो तो उसकी मदद करने की कोशिश करती है कि वो एक बार फिर से कामयाब हो जाए। तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो बेटा कि उन्हें इस बात से सदमा पहुंचेगा। वैसे आराधना जी ने अपनी जिंदगी में दुख के पल ही ज्यादा बिताए हैं, इस दुख की घड़ी को भी वो बर्दाश्त कर देंगे। लेकिन मैं चाहती हूं ऐसी नौबत ही ना आए, इसलिए मैं सबको जल्द से जल्द कर लेना चाहती हूँ। मैंने आज ही डीके साहब से मीटिंग फिक्स की है। बेटा, मैं भी मीटिंग में चलूंगा। मीटिंग कितने बजे की है? आपको वक्त की पड़ी है सागर जी, यहाँ मेरी जान जा रही है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी आपको यकीन नहीं होता कि आप मेरे सागर हैं। वो प्यार की निशानियां जो मैंने सहेज के रखी थी, आपकी तस्वीर, दीवारों पे लिखी इतनी सारी बातें जो आपने कभी मेरे लिए लिखी थी, सब झूठ है। पायल, मैं कब कह रहा हूं कि तुम झूठ बोल रही हो? बात दरअसल ये है कि मुझे खुद नहीं पता कि सच्चाई क्या है। मुझे अपना वजूद तक पता नहीं पायल। मैं इस वक्त तो मैं अपने वजूद की सच्चाई जानने में लगा हूं। आपके वजूद की सच्चाई मैं कितनी बार बताने की कोशिश कर चुकी हूं, पर आप मुझ पे यकीन ही नहीं करते। क्या करूं पायल, दिल यकीन नहीं करता। जब भी तुम्हारी बातों पर विश्वास करने की कोशिश करता हूं, पता नहीं दिल में उलझन सी होने लगती है, और मुझे ऐसा लगने लगता है कि जो भी कुछ तुम कह रही हो सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई कुछ और है। शायद वो किस्से जो जिन्हें मैं भूल सा रहा हूं, और वो किस्से एक तस्वीर के तौर पर मेरे सामने आते हैं, और इससे पहले कि मैं पहचान पाऊं वो गायब हो जाते हैं। बस एक बार पाया, एक बार मुझे वो तस्वीर सही तौर से दिख जाए ना, तो सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे मेरा अतीत पता चल जाएगा पाया। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? नहीं। पंडित जी। हाँ बेटा। आप बताइए ये कौन है? ये कैसा सवाल है बेटी, ये तो सागर है। अच्छा बेटा, आपके पुजारी जी भी झूठ बोल रहे हैं। ए भोलेनाथ, किस गुनाह की सजा दी है आपने मुझे? आज मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने किस कोख से जन्म लिया। मेरी माँ कौन है? माँ, मां कहकर पुकारा? जी हाँ।
मैं आपको मां नहीं कह सकता, मैं आपके बेटे जैसे ही तो हूं। कौन है तुम? जी मैं आपका बेटा ही हूं। ये सच है कि मैंने आपकी कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन मैं आपको वो हर खुशी, वो हर फर्ज निभाना चाहता हूं जिसकी उम्मीदें आपने साहिल से रखी थी। मैं आपका बेटा नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे वही रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। मेरा नाम साहिल नहीं, विक्की है, बस नाम का फर्क है मां। रिश्ता तो मैं वही जोड़ना चाहता हूं आपसे। मैं सच में आपका बेटा बनना चाहता हूं। आप नहीं जानती, लेकिन तनु मुझसे बेहद नफरत करती है। इसे नफरत भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके दिल में साहिल की यादें बसी हैं, इसलिए वो मुझे अपने आसपास भी नहीं देखना चाहती। लेकिन आप तो एक मां है ना, और मां के लिए हर बच्चा प्यारा होता है। मैं कुछ समझी नहीं, तनु से तुम्हारा क्या रिश्ता है? जी दरअसल मैं साहिल का दोस्त हूं, और उसकी गैर मौजूदगी में मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसके घर की, उसके घर वालों की पूरी देखभाल करूं। लेकिन मेरी ये कोशिश तनु को बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं बेटा, तुम तनु को गलत समझ रहे हो। इतना तो समझ ही सकते हो कि वो इस हालत में ही नहीं है कि सही या गलत का फैसला कर सके। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं, ये जानने के लिए कि क्या मैं साहिल की जगह ले सकता हूं। नहीं, मेरा मतलब है मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम साहिल की जगह लो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं साहिल से प्यार नहीं करती, या फिर मैं ये समझती हूं कि तुम साहिल जितने अच्छे नहीं होंगे। लेकिन साहिल हमें जिस मोड़ पर छोड़ के चला गया, मैं नहीं चाहती कि तुम विकी हो, तुम विकी रहोगे। शर्मा जी, इस कंपनी में जो 50% मेरा हिस्सा है, मैं उसे बेचना चाहती हूँ। हकीकत तो ये है तनु जी, कि डीके साहब भी इस कंपनी को आगे नहीं चलाना चाहते। उन्होंने अपना पूरा हिस्सा बेचने की तैयारी की है, क्योंकि कंपनी जिस कंडीशन में पहुंची है, ऐसे कंडीशन में उसे दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। मैं तो ये सोचकर आई थी कि मैं अपना हिस्सा भी डीके साहब के नाम कर दूंगी। उन्होंने तो पहले से यही फैसला कर रखा है कि वो ये कंपनी क्यों खरीदे जो पहले से ही पूरी तरह बर्बाद है। हाँ, अगर आप चाहें तो वो अपना पूरा हिस्सा भी आपके नाम करने को तैयार है। ठीक है शर्मा जी, तनु इस कंपनी को पूरी तरह से टेक ओवर करने के लिए तैयार है। वेरी गुड, कहिए तो अभी डील फाइनल कर दूं? जी बिल्कुल, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है शर्मा जी, आपको हमें थोड़ी मोहलत देनी पड़ेगी। नहीं डोंट वरी, मैं आपसे सिर्फ थोड़ा समय मांग रहा हूं, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। ठीक है शर्मा जी, अगर ऐसी बात है तो मैं ये कंपनी चलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप तो समझ ही सकते हैं कि कंपनी की हालत अभी ऐसी है कि उसे ठीक तरह से चलाने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप हमें थोड़ा वक्त दे देंगे तो हम कंपनी को नए तरीके से स्टार्ट कर सकेंगे, और फिर आपके पैसे भी लौटा देंगे। तनु जी, मुझे तो ये लगता है कि इस कंपनी को दोबारा स्टार्ट ही नहीं किया जा सकता। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप तो जानते ही हैं कि ये कंपनी साहिल का सपना थी, और साहिल का सपना पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप हमें थोड़ी सी मोहलत दे दें। ठीक है, मैं आपको वक्त देने के लिए तैयार हूँ। कहिए तो एग्रीमेंट के पेपर अभी तैयार करवा लूँ? जी हाँ बिल्कुल, शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए, क्यों तनु? जी बिल्कुल।
एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आपको किसी ने रोका है? जी नहीं। फिर बैठ जाइए। हाय, मेरा नाम मयंक चौधरी है। चौधरी ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम तो सुना ही होगा आपने। दूसरों के बारे में सुनना या उनके बारे में जानना ना तो मेरी आदत है और ना ही मेरे पास इतना वक्त। अगर मेरा बैठना आपको इतना ही बुरा लग रहा था तो आपको मुझे यहाँ बैठने की इजाजत देनी ही नहीं चाहिए थी। गलत फहमी है आपकी, मुझे आपसे कोई एतराज नहीं है। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है इसलिए जा रही हूँ। आई थिंक नाम बताने में तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बाय। पहली बार मेरी जिंदगी में ऐसी लड़की आई जो इतनी पसंद आ गई। इससे पहले तनु थी जिसे बहुत प्यार करता था, कुछ भी कर सकता था उसके लिए, लेकिन काम्या कमाल की लड़की, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। दयामा, मैंने माँ के सामने ये तो जाहिर कर दिया कि मैं उनका बेटा बनना चाहता हूँ और शायद उन्होंने मुझे अपना बेटा बनाना कबूल भी कर लिया, लेकिन मैं उनसे ये नहीं कह पाया या यूं समझिए मेरी हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि मैं तनु को अपनाना चाहता हूँ, उसे ढेर सारी खुशियां देना चाहता हूँ। हाँ बेटा, हम सब भी यही चाहते हैं कि तुम छोटी दुल्हन को अपना लो, उसे खुशी दो। और अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि दुल्हन की जिंदगी खत्म होने से पहले तुम छोटी दुल्हन को अपना लो। दयामा, ये क्या कहा आपने? माँ की जिंदगी खत्म होने से पहले? नहीं, अब मैं तो बस। नहीं दयामा, आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हैं। दयामा, अगर आप मुझे अपना बेटा मानती हैं ना तो बताइए कि सच क्या है, प्लीज। बेटा, मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहती थी। पता नहीं कैसे अचानक ये सब मेरे मुंह से निकल गया। अब तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, लेकिन बेटा मुझे एक वचन दो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। दयामा, मैं बात किसी को नहीं बताऊंगी। सच तो ये है बेटा, जब दुल्हन कोमा से बाहर आ गई तो हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन हम लोगों को ये बात नहीं पता थी कि ये खुशी इतने सारे गम अपने साथ लेकर आ रही है। डॉक्टर का कहना है कि दुल्हन चंद दिनों की मेहमान है। दिनी को हम लोगों के साथ रहेगी। फिर वो हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों का साथ छोड़कर चली जाएगी। नहीं नहीं दयामा, ये नहीं हो सकता। आप माँ का इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाइए और इस इलाज में जितना भी पैसा खर्च होगा वो मैं दूंगा दयामा, लेकिन प्लीज ये बात आप किसी और को मत बताइएगा। लेकिन ऐसा कभी मत कहिए कि माँ की जिंदगी चंद दिनों की है। विक्की बेटा, पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन किसी की जिंदगी नहीं। जिंदगी पर किसी का बस नहीं चलता और सच्चाई यही है कि दुल्हन की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है।